कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के आयुक्तों को शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुक्त स्वयं प्रातः फील्ड में जाकर रैंडम चेकिंग करें एवं जो सफाई कर्मी अनुपस्थित पाए जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉक्टर गोस्वामी सोमवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने मुख्य मार्गों से अवैध होर्डिंग हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जहां भी डेंगू के केस मिले वहां आसपास के घरों में स्क्रीनिंग की जाए। क्लस्टर में केस मिलने पर जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करते हुए रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी लावा एक्टिविटी एवं हर शनिवार को नो बैग डे के तहत स्कूलों में डेंगू रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने, सर्वे एवं स्क्रीनिंग तथा छिड़काव जैसी गतिविधियां निरंतर चलाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए एवं सरकारी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालयों पर सोलर पैनल लगाने से संबंधित कार्यवाही करें ताकि राज्य सरकार के निर्देश आने पर सोलर इंस्टॉलेशन की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने 15 सितंबर से जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से छात्रवासों के नियमित निरीक्षण एवं भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। पीएचईडी अधिकारियों को पेयजल की नियमित सैंपलिंग एवं आवश्यकतानुसार क्लोरिनेशन के निर्देश दिए। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आए आवेदनों को छोटी छोटी कमियां बताकर रिजेक्ट करने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन शिकायतों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग मुख्यालय पर स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना, इटावा एवं रामगंज मंडी सीएचसी के उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन, दीगोद एवं चेचक में महाविद्यालय निर्माण, कनवास में रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना सहित अन्य बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, केडीए सचिव कुशल कोठारी, सीईओ जिला परिषद अशोक त्यागी, नगर निगम उत्तर आयुक्त अनुराग भार्गव, नगर निगम दक्षिण आयुक्त सरिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। तारांकन 00। दो दोस्तों ने अपने ही एक अन्य दोस्त पर चाकू से हमला कर रविवार देर रात हत्या कर दी। घटना भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र की है। आरोपी युवकों ने बाइक को कट मारने के मामले को लेकर रंजिश पाल रखी थी। भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा बताया कि रविवार रात 12 बजे के आसपास घटना की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन आरोपी तब तक मौके से फरार हो गए थे। चाकूबाजी की घटना में खेरली फाटक बालाजी टाउन निवासी 21 वर्षीय निखिल अग्रवाल की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अमन, मुकेश केवट, मोनू नागर सहित 5 युवकों के खिलाफ हत्या का नामजद प्रकरण दर्ज किया गया था। गोदारा ने बताया कि गाड़ी को कट लगाने की बात को लेकर निखिल की उसके दोस्तों के साथ कहासुनी हुई थी। इसका बदला लेने की नीयत से बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने निखिल पर खेरली फाटक चौराहे के नजदीक चाकू से हमला किया। घटना में निखिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की पड़ताल की जा रही है। हमलावर और निखिल पहले अच्छे दोस्त थे लेकिन एक महीने पहले किसी गाड़ी को कट लगाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोस्ती में दरार आ गई और बदला लेने की भावना में इस वारदात को अंजाम दिया गया। निखिल अग्रवाल 10वीं पास था और फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा था। डिप्टी एसपी गंगा सहाय शर्मा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।